आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इंटेगुमेंटेड इन दी हिसेंट मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो कॉल्ड इन एंजियोस्पर्म्स। पूछा गया है कि जो मेगास्पोरेंजियम इंटेगुमेंटेड इन दी हिसेंट होते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इंटेगुमेंट का मतलब होता है कि ऐसा मेगास्पोरेंजियम या फिर ऐसा ओवरी जिसके अंदर सेगमेंटेशंस या फिर सेप्टा जो है वो पाया जाता है। और इनडिहिसेंट का मतलब होता है कि ये जो इंटेगुमेंट रहते हैं वो इनसाइड द ओवरी ही फॉर्म करते हैं और बाहर ये लोग एक्सपोज नहीं होते हैं। और ऐसे चीज को जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर में सीड फॉर्म करता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक लाइन जो है वो बखूबी से प्रिजर्व रहता है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओव्यूल के बाहर ओवरी जो है वो फॉर्म करता है फ्रूट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इंटेगुमेंट इनडिहिसेंट यानी जो कि छुपा हुआ रहता है, एक्सपोज नहीं रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो ऐसे मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल कहते हैं जिसमें कंसिस्ट होता है नेक्स्ट जेनरेशन। तो इसी हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा और उसी को टिक कर लेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरी जो है ये हमारा फ्रूट फॉर्म करता है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है और ये एक्सपोज्ड रहता है। स्टिग्मा का बात करें तो ये भी एक एक्सपोज्ड कैरेक्टर होता है जो कि फॉर्म करता है या फिर कैरी करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वहीं पे कार्पल जो है ये भी एक्सपोज्ड ऑर्गन होता है जो कि फॉर्म करते हैं हमारे कोरोला या फिर हम कैलिक्स भी कह सकते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ओव्यूल और उसी को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।